मैं ये कहना चाहूँगा सब आप सब लोग कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। मतलब सब लोग आप हेल्दी हो, हैप्पी हो, चेहरे पे मुस्कुराहट है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। हम सब साथी हैं। आज 2 अक्टूबर है और आज महात्मा गांधी जी का बर्थडे है, द फादर ऑफ द नेशन। इट्स ए ग्रेट फीलिंग कि सारा हिंदुस्तान एक है और ये आज़ादी में उनका जो एक उनकी कंट्रीब्यूशन है उसको कोई भुला नहीं सकता है। सर, कोई भी जो है बेटा तरक्की करता है तो पिता को बहुत खुशी होती है। आज आपके बेटे को बेस्ट कमेंटेटर अवार्ड मिला है, अचीवमेंट क्या? मैं अपने अवार्ड को पीछे रखूँगा, लेकिन आई एम सो हैप्पी कि माई सन गॉट द अवार्ड। ही इज़ ए IPL कमेंटेटर और ही इज़ ए सेल्फ मेड बॉय, नेम इज़ पारस बख्शी। और वो स्पोर्ट्स अड्डा के IPL के एक आज भी वो लाइव हैं, एंड आई एम सो हैप्पी कि ही इज़ ए सेल्फ मेड। और वो मेरी किसी भी तरह से मेरे परसोने की छाया उनके ऊपर नहीं है, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, कि बस ये है कि ही इज़ माई सन और उसने आज एक अवार्ड जीता है, किसी की नज़र उसके ऊपर पड़ी है, अचीवमेंट के ऊपर पड़ी है। आई एम सो हैप्पी कि पारस बख्शी हैज़ गॉट द अवार्ड। आई एम रियली वेरी हैप्पी, इमोशनली वेरी हैप्पी। हम एक बाप अपने बेटे को बड़ा होते देखता है तो मुझे खुशी है कि आज उसकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई है। सर, पारस बख्शी जी अब जो है स्पोर्ट्स की दुनिया में करियर बनाएंगे। ही वॉज़ ए क्रिकेटर था और वो IPL के नेट्स तक पहुँचा जी। उसकी बहुत मंशा थी, बहुत उसका दिल था कि मैं टेस्ट प्लेयर बनूं, 20-20 का बनूं या 50-50 का बनूं, लेकिन सिस्टम वाज नॉट वेरी सॉफ्ट विद हिम, द सिस्टम वाज नॉट वेरी सॉफ्ट विद हिम। आई हैव सीन द फ्रस्ट्रेशंस ऑफ माय सन, लेकिन आज उसने अपनी अलग से जगह बनाई। आप देखेंगे कि वो उसकी जो विजडम है, क्रिकेट की विजडम है, वो बड़ी क्लास है। उसको जो रूट्स का पता है, उसने कभी क्रिकेट छोड़ी नहीं। एट टाइम्स क्रिकेट ने उसको छोड़ना चाहा, लेकिन उसने क्रिकेट को नहीं छोड़ी। और जब क्रिकेट ने देखा कि ये मुझे छोड़ नहीं रहा है, तो उसने फिर क्रिकेट ने आशीर्वाद दिया। अभी नए आशीर्वाद के मुताबिक ही इज़ ए कमेंटेटर और वो एक अच्छी अंग्रेज़ी बोलता है और क्रिकेटिंग नॉलेज उसको बहुत अच्छी है। बहुत सारे जो लेजेंड्स हैं उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया है और मैं चाहूँगा कि आपका आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद हो। मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए ताकि ही शुड सर्व द कंट्री, किसी भी तरीके में अपनी कंट्री को।